अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस डायरीज। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत अरसे बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बस कुछ वजह थी मैंने व्लॉग नहीं बनाया और आज दोबारा अपनी रूटीन पे वापस आ गया, तो इंशाल्लाह आपको रेगुलर व्लॉग मिलेगा। मैंने एक व्लॉग डाला था मकई की काश्त का, ठीक है, तो आज उसका फल खाने का टाइम आया है, तो मैं आया हूँ जी मकई के अंदर। ठीक है, छलियाँ खाते हैं ज़रा, मैं देख रहा हूँ ज़रा कौन सी कोई अच्छी चली है जिसको जिस पे हाथ साफ किया जाए। ये भी ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रही है, शॉपर में ले गया हूँ साथ। ये तगड़ी है, इसको देखते हैं ज़रा। ये छोटी है, ये और कौन सी है जरा। बचपन में तो ये काम बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन अब जरा बड़े हो गए हैं तो कोई इतना ज्यादा मैं शौक नहीं रखता चिड़ियों का, पर वैसे ही आज बैठे बैठे दिल किया है चली खानी चाहिए, तो तीन चार जरा ले जाता हूँ। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये चीज ये भी जरा सेहतमंद चली है। चापर मेरे पास काफी अच्छा हो गया, चार पांच हो गए अब काफ़ी है, फिर आ जाएंगे मेरे घर के पास ये बिल्कुल। तो ये दरअसल हमारी अपनी नहीं है मकई, ये हमारे हमसाए हैं अंकल महमूद, उनकी है। हमारी साफ हो गई है बिल्कुल, ठीक है। तो अब चलते हैं जी घर की तरफ और जरा घूमते हैं और फिर स्वाद लेते हैं, देखते हैं कि बड़े अरसे बाद छली खाई है तो कैसा स्वाद आता है। तो साथ साथ मैं आपको भून के भी दिखाऊंगा कि भुना कैसे जाता है, और फिर इसके बाद खाने का टाइम आएगा जी। जे क्या लाए मामू, क्या कहते हैं इसको? छली छली, आ जाओ भुने, ठीक है। जेनी खाएगी? खाएगी। ओके, अब इसको ऐसे जरा छीलेंगे और जेनी क्या छील दी है जी? ये लहसुन इस तरीके से। अच्छा, ये बाल जरा उतारने जरा जरूरी होते हैं, वैसे ना भी उतारे तो वैसे ही जब इसको भुनेंगे ये वैसे बाल जल जाएंगे, लेकिन जरा अच्छी चीज हो जाती है। थोड़ी थोड़ी इसके अंदर नहीं है, दाने जरा कम है, बरा नो प्रॉब्लम। दो तीन तरीके होते हैं वैसे छली को भुनने के, एक जैसे वो पठान वगैरह या जो रेडियो पे आए होते हैं कोयले के अंदर रेत के अंदर, एक वो भी तरीका होता है, ठीक है, वो मतलब कि इनडायरेक्टली हीट रेत गर्म होती है, फिर उसके बाद वो जो गर्म रेत के अंदर भुना, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। और ये एक डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर, ये ज़रा आसान है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जाओ, जहाँ जो जो दाना जिसको जितनी हीट चाहिए आप वहाँ पर रख दें और वो दाना भुना जाता है, ठीक है। तो ये ज़रा देसी तरीका है, जल्दी भुन जाता है। इसके ऊपर फिर थोड़े से हम लोग गार्निशिंग करेंगे, गार्निशिंग मतलब ऊपर थोड़ा सा मसाला मसूला जैसे नींबू वगैरह लगा, अच्छा छली भुनी की है और साथ में हमने नींबू रखा है ऊपर, काला नमक और डाला है, और ज़रा थोड़ा सा तुर्श करने के लिए अब ज़रा इसको लगाते हैं।
क्योंकि असल जो मज़ा है वो तो लीमू नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे। जी पुत्री मामू जी, क्या ले आए हो? मामू क्या खा रहे हैं? हम छली खाएगी क्या खाएगी? ये छली छली खाएगी। ओके, ये लो जी, चक्की मारो। खट्टा मजे क्या है? खट्टा। मजे क्या है? मजे क्या है कि नहीं है? अच्छा ठहरो, मामू खाएंगे ना अभी। अच्छा जी, आप जरा, मेरी बारी है, जरा देखते हैं कि अपनी जो मेहनत है उसका फल कैसा है। ओह हो, मारो अभी हो गया। ओह हो, क्या बात है, मजे का है ना? मजे का जी, मजे का। चलिए, बड़े मजेदार बनी है, और ऊपर जो लीमू ने बड़ा काम किया है, वाह जी वाह। और हाँ, क्या बात पापा। है, मैं कहता हूँ मजा आ गया, मजा आ गया। ये दो चलियाँ जी, एक के बजाय मैंने फिर दूसरी भी खाई है, क्योंकि मज़ा बहुत ही आया है। बहुत ही अरसे बाद ज़रा आपको स्वाद लिया है अच्छी चीज़ का। अच्छा, व्लॉग ज़रा एंड करते हैं जी आप। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ। बाय बाय करो, बोलो बाय बाय। बाय बाय बोलो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हाँ करो जी, और बोलो लाइक भी करो, लाइक करो, लाइक सब्सक्राइब करें जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में।